कई सालों से हम देख रहे हैं कि नगर निगम में बार बार तनख्वाह देने के लाले पड़ जाते हैं। तनख्वाह कभी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली, कभी टीचरों की तनख्वाह नहीं मिली, कभी डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिली। तो नगर निगम के अंदर ऐसे पैसे की इतनी कमी क्यों हो रही है, यह सोचने वाली बात है। इतनी पैसे की कमी क्यों हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। मैंने सारा पता किया, वित्त मंत्री यहीं बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर यहीं बैठे हैं, मैंने सारे अधिकारियों से पूछा, एक एक पैसा जितना बनता था संविधान के अंदर कानून के अंदर साफ साफ लिखा है, भाई टैक्स तो आप लोग देते हो, आपका पैसा है, मेरा पैसा तो है नहीं, मनीष जी का पैसा तो है नहीं, संविधान में लिखा है भाई इतने पैसे आएंगे ऐसे ऐसे बटेंगे। जितना पैसा संविधान में लिखा है उसे 10 रुपए फालतू दिया है अभी तक हमने। 2013 में, 2014 में हमारी सरकार तो 2015 में आई थी, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में राष्ट्रपति शासन था, बीजेपी की सरकार थी। उन दिनों में जितने पैसे देते थे नगर निगमों को, हम लोगों ने उससे दुगने तिगुने पैसे देने शुरू कर दिए नगर निगमों को। तो वो पैसे कहां गए? 2013-2014 के बाद नई भर्तियां तो हुई नहीं एमसीडी के अंदर, कोई कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं बढ़ी दुगनी तिगुनी। तो अगर हमने पैसे दुगने तिगुने देने चालू कर दिए तो नगर निगम में पैसे जा कहां रहे हैं? सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? टीचरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? सोचने वाली बात है। तो दिल्ली सरकार का जितना पैसा बनता था उतना एक एक पैसा दे दिया। उल्टे अभी हमने पिछले 3-4 दिन से, जब से यह सारा मुद्दा चल रहा है, मैंने सारा पता कराया, हमने इतना ज्यादा पैसा लोन के रूप में दे रखा है कि नगर निगमों को दिल्ली सरकार का 3800 करोड़ रुपया, 3800 करोड़ रुपया वापस करना है लोन का। हमने पैसा नहीं देना, नगर निगमों को 3800 करोड़ रुपया वापस करना है हमारा। जल बोर्ड का, जल बोर्ड पानी देता है नगर निगम को, 3000 करोड़ रुपया जल बोर्ड का बिल बकाया पड़ा है, जल बोर्ड को वापस करना है नगर निगमों ने। तो हमने तो अपना पैसा उल्टे ले नहीं रखा, उनके पास पड़ा है।